नमस्कार, मैं हूं अनामिका शर्मा और आप बने हैं मेरे चैनल एंजॉय योर पैशन में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कि आप नागफनी बोलते हैं या फिर स्नेक प्लांट बोला जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है सेंसिवीरिया। और ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है पौधों में और बहुत ही कॉस्टली दामों पे मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। नॉर्मली अमेजोन में अगर आप ऑनलाइन देखेंगे स्टोर्स में तो 300-400 में बिकता है। इंडिया में अगर आप ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जंगल आ जाए तो आपके ये पूरे जंगल में आपको पहले मिलेगा। मगर अभी इसके जो हाई रेट में मिलने का कारण है ये है इसकी एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटीज। ये ऐसा पौधा है जो कि बहुत हार्डी पौधा है और कोई भी बिगनर्स है जो कि पौधा नहीं भी लगाने जिसको आता है वो भी अपने घर में बहुत ही आसानी से पौधे को रख सकता है। इसकी एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटीज बहुत ही ज़्यादा है और नासा ने जो अपना रिसर्च किया था 1989 में, जो रिसर्च में पेपर में जो पौधों का लिस्ट तैयार किया था उनमें से ये एक पौधा है और ये टॉप करता है चार्ट को, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करने की ये बहुत ही ज़्यादा हाई ही है। और ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, टॉलिन हो गया, जाइलिन हो गया, ये बहुत ही आसानी से रिमूव करता है ये सारे जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो हमारे घर में हैं ये या फिर हार्मफुल जो रेडिएशन है सारे अपने लीव्स में एब्जॉर्ब करके इसको अपने रूट में भेजता है, वहाँ से ये अपना खाना बनाता है और ये फिर उससे ही अपना पोषण लेके ये पौधा जो है बड़ा होता है। तो ये हम अगर सोचेंगे कि ये सारे जितने हार्मफुल वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जिनका मैं अभी नाम ली, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, ये आता का है, तो नॉर्मली फ्रेंड्स ये हमारे घर में अवेलेबल होता है, आता है जो हम अपने घर में सोप यूज करते हैं, टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, पेंट्स करवाते हैं, जो भी वुडन पेंट्स होते हैं या फिर डाइस होती हैं, ये सब चीज़ों में जो होते हैं बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और ये है हमारे हेल्थ के लिए एकदम बेनिफिशियल नहीं है। तो ये जो होते हैं इसीलिए इनको आप इंडोर भी रखते हैं और ये इंडोर प्लांट्स के लिस्ट में टॉप करता है चार्ट को। ये एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर में ग्रीनरी के साथ साथ ये आपके घर में ड्यूटी तो ऐड करता ही है, साथ में ये डबल ड्यूटी के करता है, ये आपके घर में जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है उनको भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये आप ये ना बाथरूम के लिए, बाथरूम में भी रखने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो इसे बेडरूम प्लांट भी बोला जाता है और बाथरूम प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि बेडरूम में ये 24/7 आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसे बेडरूम प्लांट के रूप में भी बहुत लोग यूज करते हैं क्योंकि इससे आपको स्लीप बहुत अच्छी आती है और ये जितने भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उस लेवल को भी कम करता है। अगर हम इसके बात करें केयर की तो इसका केयर बहुत ही आसान है, ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से इसका केयर होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसका बात करें लाइट की, वाटर की या फिर ह्यूमिडिटी की या फिर ये कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको फर्टिलाइजर क्या क्या चाहिए, तो नॉर्मली ये एक सकलेंट है, सकलेंट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, ना ही ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। और ये इंडोर प्लांट है, बहुत बेस्ट इंडोर प्लांट है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं पढ़ के नहीं या फिर मैं एक्सपीरियंस से ही आपको बात कर रही हूँ। ये बहुत ही कम लाइट में चलता है, लो लाइट में चलता है, इसे फिल्टर्ड लाइट चाहिए या फिर आप इसे इनडायरेक्ट लाइट भी दे सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल लाइट में भी बहुत अच्छा चलता है। बाथरूम में भी आप इसको रख सकते हैं। ह्यूमिडिटी, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी इससे ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छा वर्क करता है, बाथरूम के जितने भी ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब करता है, बाथरूम के एयर को क्लीन करता है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर हम वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स इसको वाटरिंग बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए होता है। अभी मैंने इसको पानी दे दिया है, नहीं तो ये फुल टाइम मेरे घर में आपको सूखी ही इसकी मिट्टी मिलेगी, ज़्यादा वाटरिंग इसे पसंद नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप महीना भर भी छोड़ के कहीं ट्रैवल करने के लिए चल जाएं तो ये बहुत अच्छे से बना रहता है और ये आपको माफ कर देगा, ये मरेगा नहीं, ये जिंदा ही रहेगा और आपको घर में वेलकम करेगा। तो इसकी वाटरिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लाइट तो आपको पता चल गया, फिल्टर लाइट हमने बात कर ली है, आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम लाइट में भी ये काम करता है। मैंने इसको 2-3 महीना से बाहर नहीं निकाला है, आज जाके बाहर निकाला है वीडियो बनाने के लिए। तो ये कम लाइट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलती है। और टेम्परेचर का बात करें तो ये एकदम गर्मी सहन करने वाला पौधा है, बहुत अच्छे से चलता है, डेजर्ट्स में भी मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका केयर और प्रोपगेशन वो भी कर सकता है जो कि हमारे बिगनर फ्रेंड्स हैं जिनको कि गार्डनिंग नहीं आती है और पौधे रखना चाहते हैं,
तो उनके लिए ये बेस्ट पौधा उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि ये अपने पौधा रखिए जरूर, क्योंकि एक ड्यूटी के साथ साथ आपके घर को भी हार्मफुल वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को भी फिल्टर करता है, साथ में आपको अच्छी नींद देता है, बेडरूम प्लांट है, बाथरूम के एयर को क्वालिटी को प्यूरिफाई करता है, ये बाथरूम प्लांट है और इंडोर प्लांट। सेंसिवीरिया का प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप उसको कोई भी नॉर्मल कटिंग से आप उसको बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कटिंग, जो कि आपके पौधे खराब हो रहे हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे नर्सरी पार्क से, आप कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं, ऐसे कटिंग ले लिया है। और इसको आपको मैंने दो टुकड़ा में कर दिया है कि मैं एक अगर प्लांट फेल हो तो आपका दूसरा जो है वो जम जाए लग जाए, तो यहाँ पर मैंने दो प्लांट लिया हुआ है यहाँ पर, और ये दोनों को हम लगाने वाले हैं मिट्टी में, जो कि आपको इसको पॉटिंग में हमेशा मैंने बताया ये सैंड एकदम फुल्ली फ्री सॉइल होना चाहिए, एकदम चिपचिपा नहीं होना चाहिए, सैंड में बहुत अच्छे से प्रोपेगेट होता है। तो यहाँ पर आपको 60% सैंड लेना है, 10% वर्मी कंपोस्ट लेना है, 30% गार्डन सॉइल में बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट हो सकता है। और इसको मैंने इसको कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा अंदर करके इसको आपको लगा देना है और बस इसको छोड़ देना है पानी देके, और पानी देने के बाद आपको छोड़ देना, बहुत अच्छे से आपको वाटरिंग कर देना है और इसको बस ऐसे ही छोड़ देना। आप इसको पानी में भी बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं दिखा रही हूँ डेढ़ महीने बाद का रिजल्ट, ये हमारे दो पौधे हैं, अब हम इसको निकाल के देखने वाले हैं कि इसमें प्रॉपर रूटिंग हुई है कि नहीं। ये मैंने पौधे लगाए हुए थे, तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें प्रॉपर रूटिंग हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको पानी दे देना है, किसी भी पौधे को निकालने से पहले इसको अच्छे से वाटरिंग कर देना चाहिए ताकि उसकी जो रूट है वो डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे दिख रहा होगा ये हमारी जो रूटिंग है बहुत अच्छे से रूटिंग हो गई है एक में, तो हमारा जो एक जो कटिंग है वो बहुत सक्सेसफुली रूटिंग हो गई है। अब मैं दूसरे को देख रही हूँ और ये आपको जैसे मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सड़ गया, मुझे ऐसा लगता है इसे ज़्यादा पानी मिल गया, इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा कम लेना चाहिए। तो हमारी एक कटिंग बहुत अच्छे से चल गई है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स और आगे कितना अच्छा इसमें से पौधे निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपको टू एंड प्लस महीना का, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और दो महीना से ज़्यादा हो गया, मे बी तीन महीना हो गया, तो आपको ऐसे दिख सकता है कि इसके छोटे छोटे से आपको पौधे निकल गए हैं। तो हमारा रूट हमने देख लिया था और हमारा जो प्रोपगेशन है वो तीन महीना में बहुत आसानी से आप किसी भी लीव से सेंसवेरिया के बहुत अच्छे छोटे छोटे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी रूट राइजोम होती है, तो वहीं से ये अपने छोटे बेबी पौधे जैसे एलोवेरा में होता है वैसे ही निकाल लेता है। तो फ्रेंड्स, इसका आप भी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।